रोना रहा था और ऊपर से कह रहा है ठंड बढ़ गई है, सुबह नहाना मत। मैं जिस दिन आई सबसे पहले मुझे नहलाया गया इतनी ठंड में, फिर मतलब 5 दिन तक ऐसा ही चला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ट्रेन में। सो मेरी शादी को आज 6ठा दिन है और बाकी 5 दिनों के मैंने इकट्ठे ब्लॉग बना के शेयर कर दिया था, आपने देखा ही होगा। और ये वाला जो ब्लॉग है मतलब 6ठे दिन क्या होता है वो मैं बताने वाली हूँ। ये मतलब 5 दिन क्यों मैंने ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं किया, डेली वाला जो अपना ब्लॉग था वो शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना, नियम होता है शादी के बाद कि आपको मतलब सुबह सुबह नहाना होता है, किरण मतलब सूर्य उदय होने से पहले नहाना है, और सिंदूर वाला ये जो होता है इसको 1.25 महीना कितने लोग लगाते हैं और कितने लोग 5 दिन भी लगाते हैं और कितने लोग 10-15 दिन भी लगाते हैं। बट मैं बाल बाल बच गई, क्योंकि मुझे भी चाची जी ने मतलब जो चाची जी हैं, क्योंकि मेरी सासू मम्मी की डेथ हो चुकी है, एक्सपायर कर गई थी मेरी शादी से काफ़ी टाइम पहले, तो वो नहीं है, तो चाची जी ही फिलहाल सास का जो फर्ज होता है वो निभा रही थी। मेरी दादी सास हैं तो उन्होंने मुझे बचा लिया, उन्होंने बोला नहीं आपको 1.25 महीना करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बस 5 दिन करवाया, तो 5 दिन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो बस ठंड में ये है ना कि अगर आप शादी कर रहे हो तो ये ज़रूर समझ लेना कि मतलब आपकी बैंड बजने वाली है। अगर ख़ास करके मुझे नहीं पता गांव में ही होता है या शहर में भी होता है, बट ये जो नियम है ना, अगर आप इसको झेल रहे हो तो आप जब अपनी बहू की लाना तो प्लीज़ ऐसा मत करना। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें मैं झेल रही हूँ। बस यही है कि ये सब परंपराएं ठीक है, बट किसी के सेहत से बढ़ के नहीं होती है, मेरे यहाँ तो ऐसे ही सिखाया गया। बस मेरा ब्लॉग बनाने का ये वाला यही मकसद था कि अगर आप जो चीज़ें झेली हो, आप कोशिश करो कि आपकी बहू वो चीज़ ना झेले। अगर आपको जो चीज़ सोचो जब आप बहू बन के आई हो, जो चीज़ आपको परेशान की हो, अगर वही चीज़ आपकी बहू को भी मिले, मतलब होता नहीं ये सोच कि मैंने ये किया तो मेरी बहू भी ये करेगी, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ये करना है कि आपको जिस चीज़ से परेशान हुई आपकी बहू को ना हो, आपकी बेटी भी होगी कल को भी जाएगी किसी के घर, तो उसके साथ ही ऐसा हो। मैं जिस दिन आई सबसे पहले मुझे नहलाया गया इतनी ठंड में, फिर मतलब 5 दिन तक ऐसा ही चला। 3 दिन तो ठंड कम थी, बस 2 दिन बहुत ज़्यादा झेली मैं। उसके बाद से मतलब सब लोग मेरे घर में ऐसा नहीं कोई अच्छा नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी फैमिली अच्छी है, बट यही है कि थोड़ा सा परंपरा कुछ ज़्यादा ही चलता है गांव साइड में। मेरे यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो कोई पूजा भी तो नहीं होती, लेकिन मेरे यहाँ पहले सेहत को मायने रखा जाता है इंसान को, उसके बाद किसी भी नियम को। गाँव में ऐसा नहीं होता है या फिर शहर में भी ऐसा होता है मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी ये पहली शादी है और पहली ही शादी सबकी होती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी शादी शहर में है या गांव में है और आपने ये नियम फॉलो किया है कि नहीं, जो सुबह सुबह किरण सूर्य भगवान के उदय होने से पहले नहाने वाला। अगर ऐसा नियम है तो आप तो बस ये सोचो कि ठंड में शादी ना करो, गर्मी में करो, गर्मी में ठीक रहता है। मैं तो मतलब मेरी शादी पहले थी कि दिसंबर में होने वाली थी, तो मैं बस इसी बात से रोज कहती हूँ जब भी नहाने जाती कहती हे भगवान अच्छा होगा मेरी शादी दिसंबर में नहीं जनवरी में हुई। जब मेरी शादी हुई उसके 2-3 दिन तक ठंड बहुत कम थी, 4-5 दिन 2 दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी 5 दिन मेरा जैसे तैसे हो गया, दादी सास ने मुझे बचा लिया। पता नहीं आपके यहाँ मतलब आप लोगों ने कितना फॉलो किया इस नियम को, तो बस मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ये नियम शहर में भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ शहर में भी होता है, क्योंकि मुझे पता है नहीं, बट गांव में तो होता ही होता है। हालांकि मेरी दीदी शहर में थी, बट आपको पता ही होगा मेरी दीदी का ससुराल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कल 5वां दिन था और मुझे भाई की बहुत याद आ रही थी, मुझे भाई की याद आ रही थी, इसलिए मैं भाई के लिए कल भी रो रही थी और आज भी, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो थी मैंने वो देखी शादी वाली।
भाई बोला जल्दी से ब्लॉग शेयर करो, मुझे इतना रोना आ रहा है भाई, सोचेगा मुझे बहुत तकलीफ है, बट ऐसा नहीं है भैया। कल हम शादी की वीडियो देख रहे थे, भाई डांस कर रहा था, बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, और ऊपर से कह रहा है ठंड बढ़ गई है, सुबह नहाना मत। क्योंकि मेरे घर में मेरी सास नहीं है, मेरी दादी सास हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और दो ननद दो की शादी हुई तो वो लोग भी चली जाएंगी, तो जब भी आज से कुछ महीने बाद इस घर के सारे नियम तो मैं डेफिनेटली चेंज कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा जी अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मतलब घर में सभी लोग अच्छे हैं, बट जो पुरानी सोच है ना उसको मैं कहीं जरूर पीछे छोड़ूंगी, और ऐसा नहीं कि मैं सभी चीज़ों को पीछे छोड़ दूंगी, बट जो चीज़ें अच्छी हैं उसके साथ करके चलना है, जो नहीं अच्छी है उसको स्किप कर दूंगी मैं यहाँ पर, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस ये तो पता नहीं शेयर भी करूँगी या नहीं, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे को रोना आ गया था। कल मैंने भाई के साथ बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने किस किस को ऐसा ना लगता है, मतलब मैं विदाई के टाइम नहीं रोई थी, या तो कि मेरी मम्मी भी नहीं रोई थी, बट बाद में सबको ही रोया जाने के बाद, मुझे यह था कि मुझे विदाई में नहीं रोना है, बट फोन से बात होती है तो भाई भी रो देता है। मैं दूसरे दिन गई थी अस्पताल, वो मैंने वीडियो थोड़ी सी शेयर की हुई थी, मुझे डॉगी ने काटा था, इंजेक्शन लगा था, भाई ऐसा बहुत ज्यादा खुश था, फिर तुम खुश हो तो हम बहुत खुश हैं। तो हाँ मैं बहुत खुश हैं, और यहाँ पे अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाती तो मेरे पीछे पड़ जाते, कल से मेरे पीछे पड़े थे कि मैं रो रही थी, कहाँ लाला जो खिला रहे हैं, और कह रहे चलो भैया के पास छोड़ देते, मैंने जाने के भैया के पास नहीं जाना, बस होता है ना थोड़ा दूर जाने पे, सबके साथ ऐसा होता है, बस भाई और जब मायके की याद आती है तब थोड़ा सा रो रही थी। तो अभी 6 दिन हो गया है बट मैं खाना नहीं बना रही, खाना मेरी ननद लोग ही बनाती हैं, उन लोग का भी घर ससुराल जाना है तो पूरी सबकी भाभी जब तक हम लोग घर पर बनाते हैं उसके बाद तो आप ही को बनाना है, हम के हाँ चलिए उसके बाद तो वो लोग मेहमान रहेंगे ना। तो कितने लोग मेरी फैमिली में हैं वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, बहुत बड़ी फैमिली यहाँ पर, बहुत सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब अगर कोई मुझे इस तरह से रोता हुआ देख लेगा तो सब लोग खुश करने लगेगा, हालांकि ये सोए है ना, ये सोच रहे हैं कैसे मैं इसको चुप करा, बस मैं ब्लॉग शूट करी इसलिए ये आ नहीं रहे मेरे पास, क्योंकि इनको थोड़ा वो है कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्ती करके तब आते हैं, अभी जैसे ही फोन करेंगे वैसे ही। तो ये तो मेरा मॉर्निंग वाला ब्लॉग, क्योंकि अभी सुबह के टाइम है, रात 8 बज रहे होंगे, 8 बज रहा होगा, जैसा ही हो रहा होगा, और लाइट नहीं है, और मैं रूम में बंद हो गया, वहाँ पर बस रोशनदान से जो रोशनी आ रही है उसी की रोशनी है। तो अगर आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि नई नई शादियों के बाद क्या क्या होता है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से जो शहर के लड़के गांव में कैसे एडजस्ट करती है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।